हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 10 जून को रिलीज होने वाली है। इसके कई सारे ट्रेलर्स पहले ही आ चुके हैं और इन ट्रेलर्स को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि इस मूवी में पुरानी मूवी के बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। तो क्या आपको वो सारी पुरानी मूवीज देखना ज़रूरी है, या अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको किस सीक्वेंस में देखना चाहिए, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली पार्ट थी जुरासिक पार्क, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें जुरासिक पार्क के मालिक जॉन हैमंड को अपनी नए थीम पार्क के मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम की जरूरत पड़ती है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका जो पार्क खुल रहा है वो वास्तव में सुरक्षित है कि नहीं। यहाँ वे इस टीम में डॉक्टर ग्रांट, डॉक्टर सेटलर और डॉक्टर मैलकम को अपनी टीम में शामिल करता है। कुछ ऐसा घटनाक्रम चलता है कि जुरासिक पार्क उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो इस मूवी के ये तीनों कैरेक्टर्स, डॉक्टर ग्रांट, डॉक्टर सेटलर और गणितज्ञ इयान मैलकम, ये तीनों कैरेक्टर्स इस फाइनल पार्ट में हमारे पास वापस आने वाले हैं। डोमिनियन में आप इन्हें देख पाएंगे, तो इसलिए इन तीनों कैरेक्टर्स का पता होना आपको ज़रूरी है। वो आप चाहें तो जुरासिक पार्क 1993 में जो मूवी रिलीज हुई थी, आप उसे एक बार देख सकते हैं। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट आती है द लॉस्ट वर्ल्ड, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। इसमें फिर से डॉक्टर मैलकम को दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें डायनासोर से भरा एक द्वीप दिखाया गया है, जिसमें कि डायनासोर्स को पकड़ना शुरू करते हैं और उससे नया जुरासिक पार्क खुलने की तैयारी होती है। उसके बाद आती है जुरासिक पार्क 3, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसमें डॉक्टर ग्रांट को फिर से दिखाया गया है। एक कपल डॉक्टर ग्रांट को उनकी रिसर्च में पूरी तरीके से हेल्प करने का वादा करते हुए उन्हें एक द्वीप पर ले जाते हैं। उस द्वीप पर पूरे डायनासोर्स रहते हैं, लेकिन असल में वो वहाँ पर अपने बेटे को तलाश करने के लिए आते हैं और इसी तरीके से घटनाक्रम चलता है और लास्ट में उनका बेटा उन्हें मिल जाता है। उसके बाद 2015 में जुरासिक वर्ल्ड रिलीज होती है, जिसमें 14 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद जुरासिक वर्ल्ड ने एक फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित किया। तो एक बार फिर से जुरासिक थीम वाला पार्क तैयार हो जाता है, लेकिन चीज़ें तब बिगड़ने लगती हैं जब हाइब्रिड डायनासोर बाड़े से भाग जाता है और तब मूवी के दो मेन कैरेक्टर सामने आते हैं, क्लेयर और ओवन ग्रेडी। इन दो कैरेक्टर्स को आप फाइनल पार्ट डोमिनियन में भी देख पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आती है जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम, जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि 4 साल तक द्वीप पर मनुष्यों के बिना किस तरीके से डायनासोर शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन अचानक से वहां पर एक ज्वालामुखी फट जाता है। तो उन डायनासोर को बचाने के लिए क्लेयर जॉन हैमंड के पूर्व सहयोगियों में से एक सर बेंजामिन लॉकवुड की मदद से डायनासोर को बचाती है और इसके साथ उनका साथ यहाँ पर ओवन ग्रेडी भी देते हैं और दोनों मिलकर साथ में अपने एक वेलोसिरैप्टर ब्लू को भी बचा लेते हैं। लेकिन फाइनली इसमें ऐसा दिखाया गया है कि लास्ट में सारे डायनासोर्स बच जाते हैं और वे सभी मनुष्यों के साथ उनकी दुनिया का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहीं से कंटिन्यू होती है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की मेन कहानी, जिसमें कि पुराने कैरेक्टर्स डॉक्टर ग्रांट, मैलकम, इनके अलावा और भी कैरेक्टर्स आप देख पाएंगे। साथ में आपको इसमें क्लेयर और ओवन भी दिखाई देने वाले हैं। तो क्रिस की एक गलती डायनासोर्स को पूरी दुनिया में खुला छोड़ देती है और फिर वहीं से शुरू होता है तबाही और डिजास्टर का दौर। तो नेक्स्ट इस मूवी में यही दिखाया गया है कि ये सारे स्टार्स मिलकर दुनिया को बचा पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।